हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल बग्गा और मैं बनाता हूँ ट्रैवल वीडियोस। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ हिमाचल के मंडी ज़िले में एक छोटी सी बहुत ही प्यारी जगह पे, जंगल के बीच, जहाँ पे आपको शांति, सुकून और ठंडक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है चैल चौक, यहाँ से हम लेफ्ट साइड जाएंगे। चैल चौक से आगे आएगा गनई, जहाँ पे ये बोर्ड लगा होगा। शिकारी माता टेंपल वाले रोड पे जाएंगे हम राइट साइड। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, जंजैली वाले रास्ते पे जाएंगे हम, और इसके आगे कोई भी डबल रास्ता नहीं है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। इन खेतों में आपको फूल गोभी, ब्रोकली और आलू मिल जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। पीछे थोड़ा सा रास्ता ख़राब था, मैं ड्राइव कर रहा था, वीडियो नहीं बना पाया। तो ये है जय माता होम स्टे, यहाँ पे आज हम स्टे करेंगे। बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो सबसे पहले रूम में चलते हैं और देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू दिखता है यहाँ का। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे हम आज स्टे कर रहे हैं। हेलो। और देखिए मेरे साथ कौन कौन आया है। तो ये है मेरी वाइफ और इसके साथ मेरा बेटा कुंज, ये अभी 6 मंथ का है। और ये है सिस्टर, ये है जीजू, ये है खुशी, ये है आदित्य, ये ब्रदर और ये भाभी और इनका बेटा विशांत। क्या हुआ बेटा? खुशी बताएगी कि यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ठंड है और हम पार्क जा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है हम। वाओ, मजा आ रहा है आपको? हाँ जी। ठंड बहुत है ना यहाँ पे? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, अब बाहर चलते हैं और फील लेते हैं। Yes. Let's go. Let's go.
मजा आ रहा है तुझे? बस आई लव देवीदर्ड, बहुत प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, ये सुबह दिखाऊंगा मैं आपको। और ये है मंदिर। चीयर्स। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6:30 हुए हैं तो मैं बाहर आया आपको व्यू दिखाने। कैसा व्यू है यहाँ पे यार, ठंड तो जबरदस्त है। जुलाई महीने में भी यहाँ पे दिसंबर वाली ठंड है। हल्का सा व्यू मैंने आपको दिखा दिया है, अब नहाते हैं जल्दी जल्दी और ऊपर देखता हूँ सभी उठे हैं कि नहीं। वाह, ये तो तैयार हो रहे हैं, नहा भी बैठे हैं। तो ये था हमारा होम स्टे, जय माता होम स्टे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा इनका। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सर्विस थी, खाना भी बहुत टेस्टी था और लोकेशन बहुत ही प्यारी है। बिल्कुल शांति, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। तो फाइनली ऑलमोस्ट डन, हम यहाँ से निकल रहे हैं शिकारी देवी के लिए। और यहाँ नीचे देवीदर्ड वाला जो पार्क है वो हम आपको आके दिखाएंगे। और ये रास्ता जाता है शिकारी देवी के लिए, तो हम जा रहे हैं पहले शिकारी देवी। लेट्स गो।
यार अभी ना हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं और रास्ता बहुत ही खराब है, ये देख सकते हो आप। और गाड़ी चढ़ नहीं रही पहले गियर में भी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रास्ता जा रहा है, ये जाएगा पूरा ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा। हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं अभी और गाड़ी पहले गियर में भी नहीं चढ़ रही, रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है कच्चा। और ये देखो इन गाड़ियों के लिए बना है ये रास्ता। अपनी गाड़ी तो भाई पहले गियर में भी नहीं चढ़ रही, बहुत हाइट है, बहुत ज़्यादा। सॉरी गाइस, गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं पाई तो शिकारी देवी नहीं दिखा पाएंगे। यार गाड़ी पहले गियर में भी नहीं चढ़ी तो आप सोच सकते हो कैसा रास्ता होगा। ये लो भाई साहब, सारी गाड़ियां फंस चुकी हैं, कोई गाड़ी आगे नहीं जा रही, जाम लग चुका है। तो यहीं से हम वापस नीचे जा रहे हैं देवीदड़ के लिए। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं देवीदड़, और ये है देवीदड़ का पार्क। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो लेक में, एक मंदिर है यहाँ पे, बच्चों के लिए झूले लगे हैं यहाँ पे, बहुत प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। लोकेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने ड्रीम ट्रिप पे बहुत जल्दी, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।